अगर आप चाहें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर प्रेरणा ले सकते हैं, जो हर दिन 18 घंटे काम करते हैं और एक हफ्ते में औसतन लगभग 125 घंटे काम करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कौन सी प्रेरणा लूं, क्योंकि मेरे घर वाले तो ऑलरेडी मुझे कहते हैं तू भी कोई काम नहीं करता, दिन भर चौकीदार की तरह घूमता रहता है। वैसे लल्लन भैया, मैं तो सोच रहा था कि सिलेंडर वाली चाची से जलील होने के बाद ये व्यक्ति सुधर गया होगा, लेकिन इसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। भैया ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, क्योंकि भैया ये लोग उस व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं जो डेली 2.5-3 किलो गालियों का सेवन करता है। गजब बेइज्जती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक तरफ देश में भुखमरी फैली है, महंगाई बुलेट ट्रेन से तेज दौड़ रही है, देश के युवा 24-24 घंटे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इस पर ये लोग कोई बात नहीं करते। वैसे लल्लन भैया शुक्र है 24 घंटे काम नहीं करते, वरना हम लोग पत्ते पहन कर टहलते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 99% फिल्मों को ऑडियंस चांस भी नहीं देते हैं, तो दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। जय हिंद। तो दोस्तों जब से देश 2014 में आजाद हुआ है, मुझे तो लगता है तब से लोगों ने फिल्म देखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल इसके लिए भी रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, वरना उससे पहले तो लोग स्कूल जाने के बहाने थिएटर पहुंच जाते थे। लल्लन भैया ये सब राजनीति करने का नतीजा है, इसीलिए लोगों ने टिकट नहीं खरीदा है। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से अब इन्हें ये फिल्म विश्वगुरु के यूट्यूब चैनल पर डाल देना चाहिए, क्योंकि 1000 लीटर पेट्रोल और 1000 किलो आटा खरीदने वाले भी इसे देखने नहीं जा रहे हैं। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, अब इन्हें राजनीति से बोरिया बिस्तरा लपेटने के बाद ही कोई फिल्म बनानी चाहिए, वरना फिल्म तो छोड़ो कोई टीवी पर सीरियल भी नहीं देखेगा, क्योंकि ये लोग ऐसी पार्टी का करते हैं गुणगान जो हिंदू मुस्लिम करके बो रहे हैं धान।